अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अरकम न्यूज HD। मैं हूं नादिया अनवार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर को अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक करने की तरदीद का मुनसब असर, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, 7.59 रुपए की कमी। इंटर बैंक में डॉलर 277.50 रुपए पर ट्रेड। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात, शरह सूद में इजाफे और बिजली सरचार्ज लगाने का बताया। मॉनिटरी पॉलिसी मजीद सख्त करने की यकीन दहानी कराई गई। मार्केट बेस एक्सचेंज रेट बरकरार रखा जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा, दूध, चाय, क्रीम, जूसेस महंगे हो गए। फी लीटर दूध की कीमत में 30 रुपए का इजाफा, 900 ग्राम चाय का पैकेट 250 रुपए तक महंगा हो गया। तर्जुमान महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि इमरान खान के वारंट अमरीका का मसला नहीं, आईनी और कानूनी असूलों की हिमायत करते रहेंगे। अफगान महाजरीन के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान से रब्ते में है। नवाज शरीफ कहते हैं इमरान खान को जिस तरह बर्क रफ्तारी से इंसाफ मिल रहा है, 2017 में हमें इसका आधा भी मिल जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। मरियम नवाज आज 2 रोजा दौरे पर गुजरांवाला पहुंचेंगी, गुलाम हुसैन पार्क में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज की कल तंजीमी अहदेदारानों से मुलाकात भी मुतवक्का है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए अरकम न्यूज HD।